एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में देखो इतना टॉपिक है जिसमें से एक आधा छूटा होगा। सबसे पहले बताओ जब दो पार्टनर आएगा, देखो ध्यान से ठीक है, जब दो पार्टनर आएगा, दो पार्टनर पहले से रहता है, सुन लो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में सबसे पहले अगर मान लो कोई पार्टनर आएगा तो सबसे पहले क्या चेंज होगा, रेशियो। सेकंड क्या होगा, गुडविल निकालना पड़ेगा। थर्ड क्या होगा, पहले से जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और क्या हो सकता है, जब एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होगा, रिवेल्युएशन होगा। और क्या हो सकता है, पार्टनर्स कैपिटल नया पुराना वाला पार्टनर लोग का बनाना पड़ेगा, और नया बैलेंस शीट नया पार्टनर का। तो देखो सबसे पहले सुनो यहाँ, सबसे पहले क्या देखते हैं, रेशियो। देखो सबसे पहले क्या देखते हैं, रेशियो, ठीक है। रेशियो में इसमें टाइप करके बताएंगे, ठीक है। जैसे टाइप वन समझो, यहाँ पर टाइप वन में क्या रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा कि मान के चलो कि ए और बी पार्टनर। देखो यहाँ पर ध्यान से, ए एंड बी, ठीक है, ए और एंड बी आर पार्टनर, ठीक है। ए और बी क्या है, पार्टनर है। किस रेशियो में है, तो इन द रेशियो 3:2। देखना ज़्यादा हम लोग को यही मिलता है, पूरा पार्टनरशिप पढ़ेगा ना, सबसे ज़्यादा रेशियो क्या मिलेगा, 3:2, ठीक है। 3:2 में बांट रहा है, दे एडमिटेड किसको ले लिया, तो सी को ले लिया। किसको ले लिया, सी एज ए न्यू पार्टनर। 4:1/5 शेयर। मान के चलो कौन है, ए भी पहले से था, पुराना पार्टनर हो गया, ए और बी कितना बांट रहा था, 3:2 में, मतलब 3:5 में तीन हिस्सा कौन ले रहा था, ए, या दो हिस्सा कौन ले रहा था, बी। तो उन लोग क्या बोला, किसी कारण बस भी एडमिशन होता है ना, एडमिशन बहुत कारण से होता है, आदमी चाहिए, कैपिटल चाहिए, क्या चाहिए, उसकी सब कंडीशन में एडमिशन होता है। तो आ रहा है कौन, सी आ रहा है 1/5, बोला हम प्रॉफिट में कितना लेंगे, 1/5। निकालना हम लोग का क्या है, कैलकुलेट न्यू रेशियो, ठीक है। क्या निकालना हम लोग का, कैलकुलेट न्यू रेशियो, समझो। टाइप वन हम क्यों बोले, इसलिए बोले कि डायरेक्ट देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, समझो। कैसे हम लोग एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही टाइप आएगा, सबसे ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना आगे चलकर, तो सबसे ज़्यादा टाइप वन में ही हम लोग का रेशियो का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें कैसे जानेंगे कि टाइप वन में, तो सिंपल सा फंडा इसका क्या है, कि ये भी पार्टनर था पहले से 3:2 में, मतलब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, और नया पार्टनर जितना के लिए आ रहा बस वही लिखा हुआ रहेगा, और कुछ नहीं लिखा रहेगा कौन पार्टनर कौन क्या दे रहा है। तो सिंपल सा देखो सुनो, जब नया जो पार्टनर आ रहा है उसको जो 1/5 शेयर लेगा उसको कौन देगा 1/5 शेयर, ए और बी मिल के देगा, तुरंत तो प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं। तो इसमें एक वर्ड आएगा सेक्रीफाइस, क्या आएगा, सेक्रीफाइस। जब रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा गेन, इसमें क्या आएगा, सेक्रीफाइस। तो देखो यहाँ पर ये टाइप वन में कैसे बनाएंगे, सुनो यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे, देखो सीपीसी में मानने वाला है, टाइप वन में मान लेंगे कि टोटल प्रॉफिट 1, कितना मान लेंगे टोटल प्रॉफिट हम लोग, कितना मान लेंगे 1। क्या 1 क्यों माने, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में रहता है तो 1 ही माना जाता है, 1 माने। 1 में से क्या बोला, सी क्या बोला, कि सी बोला हम तो अपना 1/5 ले लेंगे, 1/5। अब देखो 1 में से टोटल प्रॉफिट 1 आया, 1 में से 1/5 कौन ले लिया, सी ले लिया, तो कितना बचा, 4/5, ठीक है। तुरंत तुम लोग बोल दी 4/5 कहाँ से आया, पूछ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह करके देख लेना, 1-1/5 एलसीएम लेके जैसे बनाते हैं ना वैसे बनाएगा, तो आएगा 5-1/4/5, ठीक है ना। अभी जैसे हम बोल दिए तो तुरंत सब बोल दी कि सर हाँ 4/5 है, अभी निकालने बोल दें, फिर पूछेगी अगला बनाने देंगे ना, कहाँ से आया 4/5 सर। तब सुनो, तीन पार्टनर था, कितना पार्टनर था, दो पार्टनर था, एक ले लिया, अब ये जो प्रॉफिट बचा वो किसका बचा, ए और बी का। सुनो अब नया तरीके से सोचो, कि एक था एक में से सी ले लिया, अब तीन पार्टनर है, नया में कितना है 3, पुराना कितना था 2। तब मान के एक माने थे, एक में से बोला हम 1/5 ले लिए, ठीक है। अब ए और बी का बचा, ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ, 3:2। कभी सोचा था कि फ्रैक्शन का हम लोग का काम आएगा ना, लेकिन अकाउंट में उतना मैथ नहीं है, लेकिन यही सब छोटा छोटा मैथ है जो कि इसको मैथ मतलब क्या कोई भी बना सकता है, पहले से बनाइए ना इसको। अब इसको बांट दो, ए का नया शेयर, इसको तो स्टेप याद रखना, जैसे हम बना रहे हैं अभी एक बार और समझा देंगे, स्टेप को याद रखना है, क्वेश्चन को नहीं। हो सकता है हम जहाँ 3:2 दिए वहाँ 1:1 दे दे, कुछ
कुछ भी दे सकता है। तो हम लोग को क्या याद रहना चाहिए, स्टेप याद रखना चाहिए कि सबसे पहले एक मानेंगे, एक में से नया पार्टनर का क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो कैसे बांटेंगे, तो जैसे 4/5 है ना, 4/5 का देखो जो फ्रैक्शन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसको समझाते हैं कैसे बताए, जैसे ए को बांटना था 3 लिखेंगे और नीचे में जोड़ के लिखेंगे, 3 × 2 = 5, 4 × 3 = 12, 5 × 5 = 25। अब इसको काट छाट मत करना, बी का नया शेयर काट छाट कर देगा तो भी आंसर वही आएगा। बी का शेयर 4/5 × ये कितना ले लेगा, 2/5, 4 × 2 = 8, 5 × 5 = 25 हो गया ये। अब क्या करना, जब निकल जाएगा तो तीनों को बराबर कर देना, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी बराबर करो। देखो ए का हम लोग का 12/2 कितना आ गया, 25, इसका आ गया 8/25 और सी का हम लोग का 1/5 है। तो ऐसा तुरंत हम लोग नहीं लिख देंगे 12 × 8 = 5, 12 × 8 = 1, नीचे हम इक्वल करना है, नीचे क्या करना है सुनो, जब इक्वल करेंगे देखो यहाँ पर बनाते हैं, इक्वल करेंगे तो एलसीएम 25 ले लो, या तो एक और तरीका है, अगर 25 नहीं लेना चाहता है एलसीएम तो ऐसे करो, नीचे तुमको 25 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, 1/5 करना पड़ेगा ना, 5 × 5 = 25, मतलब 5 कोई भी चीज़ में अगर ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, देखो 12 × 8 = 5, 12 × 8 = 5, या तो एलसीएम लेके बराबर कर दो, कैसे लेके बराबर कर दो, दोनों तरीका से सेम आंसर आएगा, ठीक है, बना लो इसको टाइप वन में निकाल के। तो देखो ऐसा क्वेश्चन में वन मानने की जरूरत नहीं है, याद रखना सिर्फ हम लोग टाइप वन में वन मानेंगे, इसमें मानेंगे टाइप वन में। इसमें देखो लिखा हुआ है कि ए और बी पार्टनर है 3:1 में, पहले से उन लोग बांट रहा था, कौन आ रहा है तो सी आ रहा है 7/24 के लिए, कितना के लिए आ रहा है, और इसको बोल दिया है कि नहीं है जो 7/24 है 1/6 ए से ले रहा है, 1/8 कहाँ से ले रहा है, बी से। चलो फ्रैक्शन में नहीं समझ में आता तो ऐसे समझाते हैं, मान लो ये 10 रुपये के लिए आ रहा है, कितना के लिए आ रहा है 10 रुपये, तो क्वेश्चन में लिख दिया कि 6 रुपये इससे लेगा, 4 रुपये इससे, मतलब यही हम बोल रहे, मतलब बोलने का मतलब यही है कि इसमें तुमको बांट के दे दिया है, ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो 7/24 आएगा, 7/24 अभी, तो समझो यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे सेक्रीफाइस। अब यहाँ से समझो सेम क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्या होगा सेम क्वेश्चन बनेगा, सेक्रीफाइस देखो ए कितना दे रहा है, तो लिखा हुआ कि ए दे रहा है 1/6 और बी कितना दे रहा है, इसमें जिसको फ्रैक्शन आता है उसको इजी लगेगा, जिसको जो नीचे क्लास में फाकी मारा था फ्रैक्शन के समय वो सबको अभी यही सब दिक्कत होगा, एलसीएम लेने में दिक्कत, निकालने में दिक्कत, तो हार्ड लगेगा ही। अब देखो न्यू रेशियो बराबर होता है, यहाँ देखो सब न्यू रेशियो बराबर होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, सुन लो हम शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। निकालो ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/4, जोड़ के लिखते हैं नीचे में, सेक्रीफाइस ये कितना दे रहा है 1/6, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, है ना, या तो एलसीएम निकालने सीखो, या तो एक और है 6 × 24 लिख दो डायरेक्ट, एक और तरीका है जो सबसे बड़ा उसका टेबल पढ़ो, दोनों कट जाना चाहिए, जैसे 6 है ना, 6 × 6 नहीं कट रहा है दोनों से, 6 × 2 = 12, दोनों से कट जा रहा है, 4 से भी कट रहा है और एलसीएम 12 हो गए, ट्रिक बता दिए तुम लोग को, 4 × 3 = 12, 3 बार में 3 × 3 = 9, 6 × 2 = 12, 1 × 2 = 2, कितना जाएगा 7/12। बी का निकालो, बी का 1/4 है जी, और ये कितना दे रहा है 1/8, 8 × 8 = 8, 8 × 2 = 16, नहीं कट जा रहा है दोनों से, 8 ही तो कट जा रहा है, एलसीएम क्या हो जाएगा 8, 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 8, ये सब तो आना आता है तुम लोग को। अब देखो हम लोग का निकल गया ये, इसके बाद हम लोग को बराबर करना है ए बी और, देखो ये 7/12 है, यहाँ देखो सब यहीं पर तुम लोग आके फंस रही है, और इसका है 7/24, एलसीएम ले लो 24, एलसीएम कितना ले लो 12 × 7 = 14, 8 × 3 = 24, 7 × 7 = 7, मतलब आंसर आ गया 14, 3 और 7, ठीक है। तभी तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, ठीक है, 2 तुम लोग को बनाना है, लिख लो पहले। देखो रेशियो का टाइप 3, इसमें देखो क्या बताए हैं कि अगर नया पार्टनर का रेशियो दिया रहेगा, ठीक है, नया पार्टनर का तो रेशियो दिया हुआ ही रहता है,
और ओल्ड पार्टनर का भी फ्यूचर रेशियो दिया रहेगा। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ दिए हैं, देखो जी और एस दो पार्टनर है। ठीक है, बताओ नंदिनी, इसमें तो हम रेशियो तो दिए नहीं है कि जी और एस किस रेशियो में बांट रहा है, तो किस रेशियो में बांटेगा जल्दी बता सब को, किसी इक्वल। ठीक है ना, बताए ना कि पार्टनरशिप में कभी भी रेशियो नहीं दिया रहेगा ओल्ड पार्टनर या तो इक्वल बांटा जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसमें क्या है, इक्वल है, मतलब ये दोनों का जो है ना पुराना रेशियो जी और एस का क्या है, इक्वल। इसलिए लिख दे रहे कि मान लो तुम लोगों को क्वेश्चन बनाने दिए और उसमें दूसरा टाइप का रहा यहाँ रेशियो, तो वो रेशियो रखना याद। टी आ रहा है नया पार्टनर के रूप में, कौन आ रहा है, टी आ रहा है 1/4 के लिए। ठीक है, 1/4 के लिए, कितना के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। आगे क्या लिखता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन जी एंड एस वुड बी 2:1। देखो ध्यान से यहाँ लिख दिया ना क्वेश्चन में, कितना होगा 2:1, मतलब नया रेशियो भी दे दिया किसका, ओल्ड पार्टनर का, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है कि फ्यूचर में। तो देखो ये लग किस तरह से बनाना, समझो सबसे पहले याद रखना कि कैसे जानेंगे कि ये टाइप थ्री में है। ये टाइप हम अपने मन से लिख रहे हैं कि इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि टाइप थ्री में ही आएगा, टाइप टू में आएगा, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न को अलग कर दे रहे हैं कि टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि टाइप थ्री रूल है, सिंपल सा है कि पहले इन लोग बांटते तो मान लेते हैं। देखो यहाँ पर लेट टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना मान लेते हैं, एक। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना मान लेते हैं, एक। एक में से नया पार्टनर का फिक्स है कितना, 1/4। नया पार्टनर बोला हम 1/4 तो ले लेंगे, कौन है, टी है ना, टी शेयर। देखो टी क्या बोला है, ये बात नहीं करो, देखो यहाँ टी 1/4। ठीक है, 1/4 बता देते किसका हो जाएगा, जी प्लस, अब जो बचा जी और एस का कितना बचेगा, 3/4 प्लस, मैंने साथ ही करने 1 में से 1/4 जो दिए थे बनाने, बनाई थी सब। ठीक है, अब देखो यहाँ, देखो टाइप वन जैसा ये थोड़ा सा का अंतर है। देखो अभी टाइप वन रहता ना, देखो यहाँ पर टाइप वन रहता तभी 1:1 में इसको बांट देते, टाइप वन रहता तभी इसको 1:1 में बांट दे, लेकिन टाइप वन में नहीं है, बोला इन लोग का फ्यूचर रेशियो कितना होगा, 2:1, 2:1 देगा। मिटा के समझा दिए ना, मतलब सिंपल सा ही टाइप वन में ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसका फ्यूचर रेशियो आप जैसे निकाल दो, जी का न्यू शेयर, जी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, देखो 3/4 बचा है ना, इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 3/8। जी के बाद एस का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू, देखो यहाँ पर हम गलती लिखे थे, 2/3 ना होगा। देखो 2:1 में बांटना है तो 2/ कितना होगा, 3 होगा ना, 3 × 6 = 4 = 12, फिर 3/4 को बांट लेगा, ये कितना ले लेगा, 1/3, 3/12। यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग का, अब आ जाओ तीनों को बराबर कर दो, तीनों को क्या करो, बराबर कर दो, किसको किसको, जी एस और टी को, 6/12, 3/12, इसका 1/ कितना था, 4 ना, एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम लो, 6, 3, 4 × 12, 3, 6, 3, 3 कट रहा है 3 से सब, 3 × 6, 3 × 3, 3 × 3 तो 2:2, 2:1, 1 बना लो। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक मतलब क्या है, टाइप फोर में क्या है, देखो नया पार्टनर जो भी शेयर है, जितना शेयर के लिए वो आएगा, सुन लो, जितना शेयर के लिए आएगा वो ओल्ड पार्टनर से नहीं, कोई खास रेशियो मिलेगा, कोई खास मतलब इसमें सेक्रीफाइस रेशियो दिया रहेगा, इसमें क्या दिया रहेगा, कौन कितना, जैसे देखो यहाँ पर ए और बी पार्टनर है, देख लो यहाँ पर ए और बी पार्टनर है, कितना में बांट रहा है, 5:4 में, सी आ रहा है कितना के लिए, 1/4 के लिए, क्या लिखा, देखो 1/10 के लिए, विच ही एक्वायर, जो वो प्राप्त करता है किससे, इक्वली, इक्वली मतलब 1:1, इक्वली मतलब 1:2। अब क्यों हम 1:1 लिख दिया बता देते हैं, अगर हम जो क्वेश्चन बनाने देंगे या तो जो क्वेश्चन तुम लोग का बुक में रहेगा वहाँ ऐसे रहेगा, विच ही एक्वायर 2:1 फ्रॉम बोथ पार्टनर, कुछ भी रह सकता है रेशियो, हम इक्वली दिए हैं यहाँ, 1:1 रह सकता है, 2:1 होता है, कोई भी, इसलिए वहाँ लिख दिए सर्टेन रेशियो, किसी खास रेशियो में पुराना पार्टनर से नया पार्टनर अपना शेयर को एक्वायर करेगा, मतलब प्राप्त करेगा। तो देखो अब एक सब मानने का जरूरत नहीं है, देखो क्यों नहीं एक मानेंगे बताओ, क्योंकि हम लोग को सेक्रीफाइस दिया हुआ है,
क्योंकि हम लोग को सेक्रीफाइस, जो नया पार्टनर आ रहा है वो गेन करेगा, जो नया पार्टनर आ रहा है वो गेन करेगा, उसको मिलेगा, देगा कौन, तो सेक्रीफाइस करेगा कौन, ए और बी, तो सेक्रीफाइस हम लोग का दिया हुआ इक्वली, मतलब 1/10, देखो दोनों में लिख दो 1/10 इंटू, अब यहीं पर रेशियो पुट करना है, ठीक है, यहीं पर रेशियो पुट करना है, यहाँ 2:1 रहता तो लिखते 2/3, लेकिन यहाँ 1:1 है ना, यहाँ लिखेंगे 1/2, 1/2, 1/20, 1/20, ये हो गया हम लोग का सेक्रीफाइस निकल। अब यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो, क्या लिखेंगे, न्यू रेशियो बराबर होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ठीक है, ओल्ड माइनस ए का, ए का देखो पहले कितना रेशियो था 5/9 माइनस, ये कितना दे दिया 1/20, लगता है एलसीएम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कटेगा तो नहीं एक दूसरा से, नहीं ना, 9 × 2 = 18, 180, 20 × 25 = 100 माइनस 9, बहुत लंबा रेशियो जाएगा क्या। बी का कितना है 4/9 माइनस 1/ फिर 180 एलसीएम हो जाएगा, 20 × 80 माइनस 9 कितना हो जाएगा 71/ इतना, ठीक है। अब तीनों को बराबर करो, अब तो न्यू रेशियो निकल गया इन लोग का, ए बी और सी 91/91/180 71/180 और इसका 1/10, तो एलसीएम ले लो 180 है 91, 71 और 18 हो जाएगा ना। तो न्यू रेशियो निकल गया 91 = 71 = 18, तो क्या समझा, सिर्फ हम लोग का स्टेप याद रखना, यहाँ पर से ये स्टेप चेंज हो गया, नीचे वाला स्टेप सब क्वेश्चन में सेम रहेगा, सिर्फ हम लोग को यहाँ पर समझना है कि जो सी 1/10 के लिए आ रहा है ओल्ड रेशियो किस ओल्ड पार्टनर से किस रेशियो में परचेज कर रहा है। देखो यहाँ टाइप 5 ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जैसे सुनो यहाँ पर, एक तुम लोग को थोड़ा देर पहले नहीं इसके पीछे बताए थे, एक ठो बताए थे फ्रॉम, बताए थे ना, उसी तरह इसका याद रखना ऑफ, इसका क्या याद रखना ऑफ, क्या लिख रहा है सुनो, जो नया पार्टनर आएगा, ठीक है, जो नया पार्टनर आएगा वो अपना शेयर कोई खास फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है, कोई खास फ्रैक्शन मिलेगा, जैसे देखो ए बी पार्टनर था 3:2 में बांट रहा था, अब ए क्या बोल रहा है, ए अपना शेयर का, ध्यान दो इसका हिंदी क्या हुआ, ए गिव्स मतलब देता है, ए सरेंडर मतलब देता है, ए सेक्रीफाइस मतलब ये देता है, इतना वर्ड लिखा रह सकता है, सेक्रीफाइस सरेंडर गिव्स एक ही चीज होता है, ठीक है। ये दे रहा कितना 1/5 अपना शेयर का, देखो यहीं पर बन जाएगा, देखो यहाँ लिखो सेक्रीफाइस निकालो डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या निकालेंगे सेक्रीफाइस, ये क्या बोला कि हम देंगे कितना 1/5, लेकिन क्या लिखा ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है इनटू किसका, तो अपना शेयर का, ठीक है, तो इसका अपना शेयर कितना है 3/5 3/25 क्लियर। बी क्या बोला कि हम भी देंगे कितना 2/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका, क्या लिखा बी गिव टू ऑफ हिज शेयर, यहाँ लिख देना ऑफ हिज शेयर, ठीक है, अपना शेयर का कितना दिया 2/5, इसका अपना शेयर कितना है 2/5, 2 × 2 = 4, 5 × 5 = 25, लेकिन एक चीज देखो गौर से देखना, यहाँ पर सी का नहीं दिया हुआ है, ठीक है, किसका नहीं दिया हुआ है सी का, नहीं तो पूरा बात कर रही है, जब क्वेश्चन बन जाएगा बनाने देंगे, नहीं बनेगा तो तुम्हीं को सबसे पहले डंटा से पूरा पीटेंगे, तब समझ, सी गेन, देखो यहाँ सी का नहीं दिया हुआ है, तो बता सी का तो दिया हुआ है नहीं, तो सी का कैसे मिलेगा, तो ये दोनों को प्लस कर देंगे, जितना इन लोग देगा उतना उसको मिलेगा, देखो 3/25 और 4/20, 7/25, ठीक है, मान लो इसमें सी का देखो कहीं नहीं दिया, सी कितना के लिए आ रहा है, तो सी नहीं दिया है तो क्या होगा बताओ, जितना इन लोग देगा उतना उसको मिलेगा। अब न्यू रेशियो निकालो, न्यू रेशियो बराबर तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ए का ओल्ड रेशियो 3/5, बी का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस माइनस सेक्रीफाइस कितना किया ये 3/25, ये कितना किया है 4/25, एलसीएम हो जाएगा 25, 5 × 5 = 25, 3 × 5 = 15, 25 × 25 = 3, 12/5
पच्चीस, पाँच पच्चे पच्चीस, दो पच्चे दस, चार छः बटे पच्चीस, सबको बराबर करो, ए बी और सी, बारह बटे पच्चीस, छः बटे पच्चीस और इसका था सात बटे, सबके नीचे पच्चीस सही है, बराबर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बारह छः सात लिख लो अच्छा से। ये जितना भी बुक है सब में क्वेश्चन एक तो ऐसा रहता है जो हम लिखे हैं, एस के सिंह हो, टी एस ग्रेवाल हो, डी के गोयल हो, कोई भी बुक में क्वेश्चन जरूर रहता है जो आज लिखे हैं अभी तो फिलहाल। देखो ज़्यादा क्वेश्चन जितना हम बताएं टाइप अभी सब क्वेश्चन में पूरा रेशियो आ जाएगा। क्या है सुनो, लिखा के इसमें कोई एक ऐसा पार्टनर होगा ना जो बोले, ओल्ड पार्टनर को ऐसा एक होगा बोले कि हम जो पुराना जितना लेते थे हम उतना ही लेंगे, तो नया पार्टनर आ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन में। जैसे इसमें देखो क्या लिख रहा है कि हम शॉर्टकट थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिए हैं, एक्स वाई जेड पार्टनर है, टू टू वन में बांट रहा है, कितना बांट रहा है, डब्लू आ रहा है कितना के लिए, वन बाय सिक्स के लिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा, जो जेड है, ये जेड है ना पुराना पार्टनर, जेड क्या बोला, हम अपना ओरिजिनल शेयर रखेंगे, जेड इज टू हिज ओरिजिनल शेयर, यहाँ लिख देते हैं ओरिजिनल मतलब जो पहले था ना उसका वही वो रखेगा। तब देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो यहाँ समझो, माना टोटल प्रॉफिट कितना, वन, कितना मानेंगे, वन में से हम लोग का दो दो पार्टनर का पता है शेयर, एक डब्लू का, डब्लू का कितना है, वन बाय कितना बचेगा, फाइव बाय सिक्स, ये किसका बचा बताओ, एक्स वाई और जेड का, किसका बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का भी हम लोग को पता है, बोला हम जितना पहले लेते थे वैसा है उतना ही लेंगे, तो जेड पहले कितना, दो दो चार और एक पाँच, वन बाय फाइव, बताओ माइनस करके देख लो बगल में, पाँच बटे फाइव बाय सिक्स माइनस वन बाय फाइव, कितना बचेगा, छः पचे तीस, पाँच पचे पच्चीस माइनस छः, थोड़ा लगता है रेशियो हार्ड इसका आएगा, उन्नीस आएगा ना, तो यहाँ कितना बचा, उन्नीस बटे, अब बताओ आपकी ये किसका बचा, जो उन्नीस बटे तीस बचा ये किसका बता, देखो ये ले लिया ये, अब बचा एक्स प्लस वाई का, ठीक है, और एक्स वाई का रेशियो हम लोग का कितना है, देखो ये दोनों बोले टू टू, संजोग से इसमें टू टू है, कुछ भी रह सकता है, मतलब वन इज टू वन हो जाएगा, टू टू भी लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते, वन इज टू वन, अब इसको आधा कर दो, एक्स का नया शेयर, एक्स का उन्नीस बटे तीस का आधा, उन्नीस बटे साठ, वाई का नया शेयर कितना हो जाएगा, उन्नीस बटे तीस का, फिर से बताते हैं, देखो यहाँ रेशियो हम लोग का, ठीक है सुने, यहाँ पर हम लोग का यहाँ रेशियो कुछ भी रह सकते हैं, टू 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 आ गया तब ना, मान लो यहाँ थ्री टू वन रहता तो यहाँ आता थ्री इज टू टू, कितना आता थ्री इज टू, तो यहाँ लिखाते थ्री बाय फाइव टू बाय फाइव, अब सबको बराबर करो, ये वर्किंग नोट था इसको साइड कर देते हैं, एक्स वाई जेड डब्लू, एक्स का कितना आ गया, उन्नीस बटे साठ, उन्नीस बटे साठ, जेड का वन बाय पहले जितना लेता था वन बाय फाइव, आई वन बाय सिक्स, साठ एलसीएम ले लो, साठ के साठ, उन्नीस के उन्नीस, उन्नीस उन्नीस, देखो यहाँ पर तुम पूछे दिन कैसे आता, पाँच से डिवाइड करो साठ को बारह बार में, बारह और दस, मतलब उन्नीस उन्नीस बारह दस, ये हम लोग का क्या हो गया, न्यू रेशियो, ठीक है लिख ले।